ये तो नहीं देगी। तार गांव में विकास उकास सोयल है, सुविधा है, स्कूल रोड सड़क पानी उनी की व्यवस्था है। रोडवा देखन उने यह रोड है। हाँ यह रोड से आबो जाओ। हाँ यह रोड से और इधर से नमस्कार जोहार, मैं चंदन भारती और तीसरी नजर देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी नेता जनप्रतिनिधि और चुप तरीके से लगे हों, सबका क्षेत्र भ्रमण जारी है, ज्यादा से ज्यादा जनता को रिझाने का काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इनका मेन फोकस जो है वो विकास पे नहीं है। आप देख सकते हैं अभी हम गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के मनसाडी पंचायत में हैं और ये मनसाडी पंचायत का हड़हड़ा गांव है। यहाँ स्थिति ये है कि अभी अप्रैल महीना ही चल रहा है, गर्मियों की शुरुआत ही हुई है और यहाँ पे कुआं चापाकल सब सूख चुका है। ग्रामीण मजबूरन खेत में गड्ढे का पानी खोद कर पीने को मजबूर है। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं कि चुनाव को लेकर इनका क्या रुझान है और इनकी इनके गाँव में विकास कितना हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? कलावती देवी। तो चुनाव आ रहा है तो केकरा वोट देबो? अब चुनाव आ रहा किस कौन वोट मन देने कहेगा, हम लोग पते नहीं है किसका देने कहेगा, उसके देंगे और नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तार गांव में विकास उकास होयल है, सुविधा है, स्कूल रोड सड़क पानी उनी की व्यवस्था देखन रोडवा देखन उने यह रोड है। हाँ यह रोड से आबो जाओ। हाँ यह रोड से। और इधर से कहीं रोड और ना? ना इधर से किधरो ना है। पानी पड़ेगा कितना इतना गड्ढा हो जाएगा। चापाकल चाहे कुआं ही सब ना है यहाँ खेत के पानी पिए? चापाकल कुआं सब है लेकिन सूख गया। तो कई दिन से ही पानी पिए करे? एक महीना ज्यादा। ये तो गंदा पानी, बीमार पड़ जी भाई अगर पी के। तो क्या करे सर, बचे कैसे हम लोग, अपन जान बचा रही बाल बच्चा की। मुखिया उखिया जी चाहे यार कोई नेता होता के ना बोल रहे सब? सब के बोल रही है मुखिया, जल योजना आयल है से देखन जल योजना रोक दल है। जल नल योजना से ना पानी मिल रहा है? अभी ना, खाली टंकी लगा दिया, खाली टंकी लगा दल और गढ़ा नला करके छोड़ दल है। सप्लाई करने लिए बोल रहा वोट चुनाव होगा तब होगा, तब होगा। अच्छा वोट के बाद होता? हाँ वो गारंटी नहीं होगा। और होते कि ना होते से वो हो पता ना है। हम लोग घर पैंप भी नहीं आया, अभी दो तीन घर पैंप भी नहीं आया, बहुत जगह आया भी है। क्या नाम हुआ बाबू? क्या नाम? सोलू। स्कूल जाते हो? हाँ। कौन स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। तो पानी निकाल रहे हो जी, अभी स्कूल का टाइम है, स्कूल नहीं गए? कहा है स्कूल टाइम में पानी निकाल रहे हो, स्कूल नहीं गए? घर में पानी नहीं, इसलिए आए। तो डेली पानी निकालते हैं यहीं? हाँ। बताइए, इन गांव वालों के साथ साथ बच्चों का भी भविष्य अंधेरे में जा रहा है, स्कूल छोड़कर ये लोग पानी निकालने का काम कर रहे हैं दिन भर ताकि इन लोगों का प्यास बुझ सके। कैसा विकास, कैसा विकसित भारत, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं इसका। और भी लोग हैं यहाँ, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुमित्रा देवी। पीने का पानी यही आप लोग यहीं से ले जाते हैं? कुआं या चापाकल या गांव में और कोई सुविधा नहीं है? सुविधा सूख गया, सब सूख गया। किसी को बोले मुखिया जी हो गए चाहे कोई जन? बोले टंकी बैठा के क्या है, पानी तो अभी दे नहीं रहा, अभी पानी नहीं दे रहा, टंकी खाली बैठा दिया, देख रहे टंकी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जल नल योजना, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके गांव गांव तक हर एक घर को नल से जोड़ के जल सप्लाई करना है, लेकिन ये विडंबना है इस देश की और विडंबना है हमारे राज्य की कि आज भी गरीब तबके के लोग का ये हाल है, आज भी नल से जल नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ये भी एक भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नंदन कुमार। तो ये कब से ही स्थिति है पानी का? कभी से सर, कभी कभी अच्छे हो गया होता है, कभी ये बरसात होता है तो रोड जाम हो जाता है, गाड़ी जाने की जगह नहीं है ना, और कुछ की व्यवस्था यहाँ पे एसी चलते रहता है, क्या बता, आता है वोट लेके चल जाता है, फिर हाँ होगा होगा, हो गया नहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा तो चुनाव आ रहा है अभी, लोकसभा का चुनाव है, तो वोट वोट किसको दीजिएगा, कुछ सोचे हैं? नहीं अभी सोचे तो नहीं है, विचार होगा। अभी हम लोग क्या बोलता है, इधर इसको दीजिए, उसको दे देंगे, विकास करेंगे, फिर ले लेगा वोट, चुपचाप लगा देते, तो क्या बोले उसको। कोई कोई नेता होता है गाँव कभी? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आए, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं, खाली मुखिया जी सब आता, अभी कोई नहीं आता।
आज तक कोई नेता नहीं, कोई नहीं आता, कोई नेता नहीं, कभी नहीं आया बहुत दिन तक ना, कौन आता है हमारे पूरे गांव में रोड, अभी इधर में रोड नहीं है, अभी हर जगह जंगल तरफ रोड है, ऐसे इधर देखिए रोड है कुछ भी नहीं, खेत में गाड़ी लेके दौड़ना पड़ता, इमरजेंसी लग जाता है कभी तो गाड़ी वही खड़ा रहता तो जाते क्या मर रहा है की नहीं होगा, खाली उसका अपना सीढ़ी से मतलब, बस अपना सीढ़ी वो ले लेगा, तकर बाद हो गरीब दुखिया मारो चाहे बच्चों को उसका परवाह नहीं, जहाँ जे हो जाए खाली उनका पेट भरना चाहिए, वोट लेना है किसी तरह से वोट लेना है, उसके बाद वो साठ लग देगा अपना, वो अपना काम कर रहा है, हम लोग क्या हो रहा नहीं हो रहा देखने वाला नहीं है, नहीं आएगा आपको दर्शन करना ही आएगा उसका, खाली वोट से मतलब है, अगर आज आता तो हम लोग की स्थिति नहीं होता, सब माँ बहन बेटी पुतो सबके वोट दिला दो, इसी में नहाते हैं, इसी में पानी पीने मतलब ही नहीं है, जितने दो हमको ने सगर बात क्या देखा, अभी तो कम है, नाइट में देखोगे तो जगह नहीं आता है पानी लेने के लिए, जगह नहीं होता है, पूरा आदमी नहा रहा है तो क्या कर रहा है, यही पानी छीट रहे हैं बार बार, फिर पानी भर रहे हैं फिर पीने के लिए लगते हैं, क्या करें, विकास के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं और उनके प्रतिनिधियों के लिए यह उनके गालों पर एक प्रकार से तमाचा है, विडंबना है इस देश की कि आज 2024 चल रहा है और आज भी लोग खेतों गड्ढों का पानी खोदकर पीने को मजबूर हैं, तो अगली बार इनके गांव में आने वाले नेता और उनके प्रतिनिधि जरा सोच समझ कर आएं कि किस मुद्दे पर इनसे वोट मांगेंगे, क्योंकि ऐसा दिन इन लोगों ने देखा है आज कि शायद इसकी कल्पना भी ये लोग कभी नहीं किए होंगे, धन्यवाद। तो अभी हम लोग वहां से होते हुए आए ग्रामीणों के साथ और इनकी स्थिति देखिए, इस कुएं की स्थिति एक बार आप दिखाइए कैमरा के माध्यम से लोगों को कि वाकई कितनी विडंबना है, कितनी दयनीय स्थिति में ये लोग जी रहे हैं, कुआं में आप लोग देख सकते हैं जरा सा भी पानी नहीं है और अभी गर्मी का प्रकोप मान एक तरह से मानिए तो शुरू ही हुआ है, अभी पूरा तरह से गर्मी अपना कहर भी नहीं भर पाया है और यह स्थिति है, आगे क्या स्थिति होगी इन लोगों के समक्ष, कहाँ से ये लोग पानी पिएंगे, कहाँ से ये लोग अपनी प्यास बुझाएंगे, ये तो महज अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। तो एक बार हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं जनप्रतिनिधियों से, पदाधिकारियों से कि कम स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था गाँव गाँव तक की जाए,